एक गरीब व्यक्ति ने पाई पाई जोड़कर अपने बैंक खाते में पूंजी इकट्ठा की, जिसे साइबर चोरों ने निकाल लिया। जब खाते से पैसे निकलने की जानकारी व्यक्ति को लगी तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। बैंक के अधिकारी पीड़ित से पुलिस रिपोर्ट मांग रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। बड़मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम महाराजगंज निवासी गोविंद प्रसाद प्रजापति ने बताया कि वो मिट्टी के बर्तन बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। कई सालों से वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर पत्नी के बैंक खाते में जमा कर रहा था। इस तरह उसने कुल 1,68,468 रुपए एकत्रित किए थे। ये राशि साइबर चोरों ने उसकी पत्नी नौनी बाई के खाते से नवंबर महीने में निकाल ली। जब उसे इस बारे में जानकारी लगी तो उसने बैंक जाकर खाते को होल्ड कराया और ATM ब्लॉक करा दिया। बैंक के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस की रिपोर्ट मांगी, जिस पर वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, लेकिन करीब 3 माह बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़ित गोविंद प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की है। मेरे घरवाली के खाते से 1,68,468 रुपये निकाल लिए गए ATM द्वारा। मेरा ATM मेरे पास है। जानकारी कैसे लगी? जानकारी मेरे को जब जमा करने के लिए गया 23 नवंबर को, तब पता लगा। फिर आपने क्या किया? फिर बैंक गए, बैंक में खाते पर होल्ड लगवाया बैंक वालों ने और ATM ब्लॉक करवाया। फिर इसके बाद थाने गए, थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट में अभी FIR नहीं हुई है। FIR मांग रहे हैं बैंक वाले, जब तक FIR नहीं मिलेगी तब तक पैसा वापस नहीं होगा। थाने वाले कहाँ? काट रही है यार, 3.5 माह हो चुकी। 3.5 महीना? 3.5 महीना हो गया। हमने 1 जनवरी के लिए बोला था कि 1 जनवरी को आपको बिना कह मिल जाएगी, इसके बाद फिर भी नहीं दिए। FIR बिल्कुल नहीं। 3 बार SP साहब के पास चौथा आए हैं आज। क्या